सिरोही जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा गंसारा ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, रेडियो मधुबन फैक्ट शाला के जरिए फेक न्यूज से कर रहा जागरूक, असामाजिक तत्वों से बालिकाओं को निजात हेतु सौंपा ज्ञापन, विद्युत लाइन शिफ्ट के लिए विद्युत विभाग को सौंपा ज्ञापन, लोढ़ा ने किया कांग्रेस प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 213 मास्क किए वितरण। अब समाचार विस्तार से, रेडियो मधुबन फैक्ट शाला के जरिए फेक न्यूज से कर रहा जागरूक। लयिक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय सोशल मीडिया लोगों का जीवन हिस्सा बन गया है। हर कोई इंटरनेट के साधन जैसे फेक व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक आदि का उपयोग कर रहे हैं, परंतु सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी जानकारी आ जाती है जो बिल्कुल गलत होती है, जबकि पहली बार देखने में ये सत्य प्रदत्त होती है। लोग उसे आगे फॉरवर्ड करते चले जाते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए या फिर किसी व्यक्ति, वस्तु या संस्थान की छवि खराब करने के लिए होती है। इससे बचाव तथा जागरूक करने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था का रेडियो मधुबन ने फैक्ट शाला कार्यक्रम प्रारंभ किया है। यह कार्यक्रम सप्ताह में 3 बार प्रसारित होगा। पहला प्रसारण सोमवार 6:30 बजे तथा रिपीट बुधवार रात्रि 9:15 बजे होगा तथा दूसरा रिपीट शनिवार 12:30 बजे होगा। यह कार्यक्रम google.org तथा गूगल इनिशिएटिव के सहयोग से किया गया है। असामाजिक तत्वों से बालिकाओं को निजात हेतु सौंपा ज्ञापन। भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही की प्रधानाचार्य हीरा खत्री व व्यवस्था प्रभारी गोपाल सिंह राव के नेतृत्व में विद्यालय का शिष्टमंडल जिला पुलिस अधीक्षक हिम्मत अभिलाष टाक से मिला। व्यवस्था प्रभारी गोपाल सिंह राव तथा वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हेमलता रावल के अनुसार राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही महिला महाविद्यालय नवीन भवन सिरोही की बालिकाओं के आने जाने का रास्ता नेहरू पवेलियन, रावण दशहरा मैदान, माली समाज धर्मशाला के पीछे है। उस खंडर भवन व मैदान की प्रतिदिन नियमित गश्त करके बालिकाओं को राहत दिलाने की आवश्यकता है। शिष्टमंडल ने नियमित प्रतिदिन गश्त व आवारा लड़कों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार की। शिष्टमंडल में प्रधानाचार्य हीरा खत्री, राजेंद्र कुमार कोठारी, इंदिरा खत्री, गोपाल सिंह राव, हेमलता रावल उपस्थित रहे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है छोटे से ब्रेक का। विमल पॉलीमर्स, क्वालिटी हमारी भरोसा आपका, मजबूत टिकाऊ चले सालों साल, ऑरेंज टैंक और पाइप, आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। ऑरेंज का वादा शुद्धता व मजबूती ज्यादा। ऑरेंज ग्रुप विमल पॉलीमर्स जयपुर, कस्टमर केयर नंबर 9772336609 व मोबाइल नंबर 8003532331। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। विद्युत लाइन शिफ्ट करने के लिए विद्युत विभाग को सौंपा ज्ञापन। लयिक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार गांधीनगर के वार्ड संख्या 27 सरगुदा गैस एजेंसी रोड भारतीय मार्बल फैक्ट्री के पास मुख्य मार्ग पर विद्युत पोल लगे हुए हैं। एक साल पूर्व मोहल्ले वासियों की मांग पर विद्युत विभाग द्वारा पास में ही नए पोल लगा दिए गए, लेकिन एक वर्ष बाद भी विद्युत लाइन को शिफ्ट नहीं किया गया, जिससे वाहनों के आवागमन से दुर्घटना हो रही थी। लोगों द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए पूर्व पार्षद जितेंद्र परिहार को कहा गया। पूर्व पार्षद जितेंद्र परिहार ने विद्युत विभाग अधिशासी अभियंता अशोक मीणा को ज्ञापन देकर इस जनहित समस्या के निवारण की मांग की, जिस पर अधिशासी अभियंता द्वारा जल्द ही विद्युत लाइनों को पास में लगे नए पोलों पर शिफ्ट करने का आश्वासन दिया गया। लोढ़ा ने किया कांग्रेस प्रत्याशियों के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। लयिक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार विधायक स्वयं लोढ़ा ने नागरिकों से जन समस्याओं की तत्काल सुनवाई व तुरंत निस्तारण के लिए कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान पर मत देकर कांग्रेस का बोर्ड बनाने की अपील की। लोढ़ा नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बंजारा, जितेंद्र बंजारा, डूंगाराम मीणा, निरंजन सिंह, नरगिस कायम खानी, लाजवंती पारवानी के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन का समारोह को संबोधित करते हुए उक्त बात की। लोढ़ा ने कहा कि इस क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के चुनाव में 17 वर्षों से भाजपा जीत रही है, वही लोकसभा में भाजपा जीत रही है। विधायक स्वयं लोढ़ा ने कांग्रेस प्रत्याशियों के कार्यालय का उद्घाटन किया। लोढ़ा जुलूस के रूप में कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां आम जन व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लोढ़ा का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व UIT अध्यक्ष हरीश चौधरी,
पूर्व पालिका अध्यक्ष अश्विन गर्ग, नगर पालिका पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरगिस कायमखानी, वरिष्ठ कांग्रेसी यूनुस चंदेजा, कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र बंजारा, सुरेश बंजारा, डूंगाराम मीणा सहित अन्य कांग्रेस जन मौजूद रहे। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 213 मास्क किए वितरण। लेक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार अधिशासी अधिकारी तिकमदान जारण के आदेशानुसार सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक अशोक मीणा की अगुवाई में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 213 मास्क वितरण किए गए तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने हेतु प्रेरित किया गया। आम जन में कोरोना वायरस बचाव के प्रति मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान कार्यवाहक जमादार दिलीप व सफाई कर्मचारी अनिल हितेश धीरज मौजूद रहे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार सिरे शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जनसभा की खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए जय भारत जय श्री।